Good morning, boys and this is your first English class. Let me tell you, we have two books. As you know, we'll study Honeydew, the textbook, and the grammar book. I'll be teaching you the textbook. Today we are going to do chapter 2 of Honeydew, that is Tsunami. Before we begin the chapters, you know, similarly, you will see different incidents and stories in this chapter, which talks about disaster, similar disaster as we are facing today by COVID-19 or coronavirus. चलिए हम लोग इंग्लिश का चैप्टर टू पढ़ेंगे, हनीड्यू का. चैप्टर वन हम लोग बाद में करेंगे. आज इसलिए महत्वपूर्ण है इस चैप्टर को पढ़ना और समझना, क्योंकि सिमिलर कंडीशन में हम लोग जा रहे हैं. सुनामी क्या है ये समझेंगे. और आज तुम चारों तरफ देख रहे हो कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से पूरा दुनिया ही तबाह है. करीब करीब 1.5 लाख लोग मर चुके हैं. ऐसे ही कुछ कैलामिटी यानी ऐसे ही नेचुरल चीज होता है, बाढ़ आना, वोल्केनो का इरप्शन या अर्थक्वेक यानी भूकंप, जिसमें तबाही हो जाती है. इसे इस चैप्टर को समझने के पहले देखो, वहां दिया है बिफोर यू रीड. तो बिफोर यू रीड, सुनामी एक बहुत ही जबरदस्त अर्थक्वेक समझो, समुद्र के नीचे या समुद्र में, जो एक फैक्ट है, आया था 2004 में. लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने के पहले हम मैप देखेंगे इंडिया का, और उसमें देखेंगे कि एक्चुअली ये कहाँ हुआ था. देखो, दिस इज अ मैप ऑफ इंडिया. यहाँ मैप ऑफ इंडिया दिखाई दे रहा. ऊपर वाला अपना नॉर्थ है, नीचे साउथ है, और ईस्ट वेस्ट ये सब है. और यहीं पर है पूरे साउथ में, ईस्ट साउथ के साइड में, ईस्ट में चले जाओ, जो छोटा छोटा दिखाई देता है द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स. तो ये सुनामी मेनली वहां का स्टोरी, वहां का इंसिडेंट है, जो अंडमान और निकोबार का है. इट इज ये एक यूनियन टेरिटरी है इंडिया का, और अपना जो तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, कोस्टल एरियाज, उसको अफेक्ट किया था. एक्चुअली सुनामी जो आया था वो साउथ ईस्ट एशिया में आए थे, थाईलैंड में, जो अंडमान निकोबार आइलैंड से और ही तुम्हारा ईस्ट में है, ईस्ट और साउथ में है. ओके, तो ये तो ज्योग्राफी समझे हम लोग कि ये एक रियल इंसिडेंस कब आया था. अब जरा अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को डिटेल में देखते हैं, जो तुम्हारे बुक में दिया हुआ है शुरू में ही, और लिखा भी वहां पर देखो, बिफोर यू रीड. ओके, तो ये अंडमान ऊपर वाला कहलाता है और निकोबार ये नीचे वाला पोर्शन है. एक्चुअली अलग अलग हम पोर्शन देखेंगे अंडमान का और निकोबार का. एक्चुअली ये एक आइलैंड नहीं है, एक द्वीप नहीं है, ये कई द्वीपों का समूह है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. एक आइलैंड में कई कई ग्रुप्स हैं, कई कई आइलैंड्स हैं, छोटे बड़े छोटे बड़े. देखते हैं हम लोग वहां दिखाया, देखो कहां पर ये इसकी ज्योग्राफिकल पोजिशन है. That is 92 डिग्री ईस्ट. ओके, लॉन्गिट्यूड बता रहा है. और ये देखो तुम जो
अंडमान हम लोग देख रहे हैं, अंडमान आइलैंड्स का ऊपरी हिस्सा नॉर्थ अंडमान है, वो एरो दिखा रहा है, मिडल अंडमान बीच का, लोअर अंडमान और पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर को ठीक से समझो, पोर्ट ब्लेयर। सो ओके, फिर से देखते हैं हम लोग, देखो वहां हाइलाइटेड किया जा रहा है नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान यानी बीच का, लोअर अंडमान एंड पोर्ट ब्लेयर। फिर नीचे हम लोग आएंगे निकोबार आइलैंड्स में, और इन दोनों के बीच में है तुम्हारा अंडमान सी है, सॉरी एक हम लोग छोड़ दिए थे अंडमान आइलैंड्स, तो निचला हिस्सा छूट गया था, वो है तुम्हारा लोअर अंडमान। ओके, फिर आते हैं निकोबार आइलैंड में, वहां पर इंडियन ओशन, देन इस साइड आ जाओ, कैच हॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इसमें होगा इस स्टोरी में। और उसके दूसरे साइड देख लो नॉनकार्वी, इधर है लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। ओके, तो ये है निकोबार का, अंडमान निकोबार में निकोबार आइलैंड्स का, और कैच हिल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें, और तुम्हारा नानकार्वे। पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स में पड़े हैं हम लोग, दैट इज द कैपिटल। अब आते हैं हम लोग चैप्टर्स पर, एक्चुअली ये चैप्टर्स क्या कहना चाहता है, व्हाट इज सुनामी, इट इज अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव, समझते हो। एनीवे, बहुत ही सुनामी में क्या होता है, फ्लड समझते हो, बाढ़ आता है तो क्या होता है, इट्स लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी का नुकसान होता है और लाइफ का। वैसे ही बड़ा सा बाढ़ आ जाए, समुद्र का पानी का जो लहर है उसके वजह से आया वो बाढ़, उसको सुनामी कहते हैं। घर घर भर गया, लोग बाग सब मर गए, डूब गए। ओके, ये अचानक आता है, कह के नहीं आता है, जैसे अर्थक्वेक है। ये जो सुनामी आया था ये समुद्र के नीचे वोल्केनो के इरप्शन के वजह से, यानी वोल्केनो ज्वालामुखी समुद्र के अंदर फटा और बड़ा सा उसमें से लहर आई, जो कि लहर कई जगहों को ले डूबा। ओके, उसमें मोस्ट अफेक्टेड था, सबसे अफेक्टेड था अपना अंडमान और निकोबार आइलैंड्स, हालांकि तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश का ये कोस्टल एरिया भी कुछ अफेक्टेड हुआ था। ओके, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे कई एक कैरेक्टर्स है, उतनी डिजास्टर के टाइम में, मुश्किल के घड़ी में भी कुछ लोग बड़े करेज दिखाते हैं और सर्वाइव करते हैं, साहस दिखाते हैं। जैसे देखोगे हम लोग इसमें है, हम लोग कई कैरेक्टर्स है, इग्निशियस एक कैरेक्टर है, यानी इग्निशियस एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर जो कि दूसरे हेल्प करता है, और संजीव एज ए पुलिसमैन, उसका एक स्टोरी है, वो भी किसी को हेल्प करता है, और मेघना इज जस्ट अ 13-year-old girl, 13 साल की बच्ची है। ओके, और अलमास जावेद, ये जस्ट 10 years, ये तुम्हारे पार्ट वन हिस्ट्री सुनामी का, पार्ट वन में ये सब कैरेक्टर्स हैं और कैसे अपने साहस दिखाते हैं और दूसरे को हेल्प करते हैं, ये हम लोग देखेंगे।
एक्चुअली सुनामी आता है एकदम भोर में, करीब करीब 6 बज रहा था। और कब का इंसिडेंट है ये? ये है 26 दिसंबर 2004। ओके, 26 दिसंबर 2004, क्या पता है तुम लोगों को कि 25 दिसंबर क्यों इम्पोर्टेंट है? 25 दिसंबर एक्चुअली क्रिसमस डे है, हम लेसन शुरू करेंगे। ओके, 25th जो दिसंबर है उस दिन क्रिसमस रहता है, और ये जस्ट क्रिसमस के सुबह की घटना है सुनामी का, 6 बज रहा था। और जानते हो जब सेलिब्रेशन होता है, लोग पार्टी साटी मनाते हैं, तो देर हो ही जाता है, लोग सो रहे थे, उसी वक्त ये सुनामी आता है, यानी वेव वोल्केनो का इरप्शन की वजह से, और देखते ही देखते कई लोगों को बहा ले जाता है। उस बहाव में जैसे इग्निशियस है, उसका परिवार को क्या होता है, उसके परिवार को क्या होता है देखेंगे। संजीव तो बचाता है, या खुद बच पाता है कि नहीं ये भी देखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे अब इस चैप्टर को। ओके, अपने यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ था 2015 में अर्थक्वेक आया था, जो अभी क्लास 8 में बच्चे उन्हें याद होगा। That was अप्रैल में आया था शायद, 30 अप्रैल को जहां तक याद है। और वो अर्थक्वेक हल्का सा था, उसको ट्रिमर जस्ट कहते हैं। ओके, आई मीन इट वॉज नॉट ग्रेट, बड़ा नहीं था। उस समय तुम देखे थे लोग घरों के बाहर भाग निकल जाते थे, और एक दिन नहीं कई दिन आया झटका वो, धीरे धीरे, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार ऐसे आता रहा। तो वो तो हल्का सा था, यहाँ कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन 26 दिसंबर 2004 को जो सुनामी आया, वो जान मान का बहुत ही नुकसान किया। और उससे मैं महसूस होता है व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज इंपॉर्टेंट ऑफ लाइफ। ओके, देखो, जस्ट लुक एट द पेज ऑन टॉप, व्हाट इज सुनामी दिया है वेरी फर्स्ट लाइन में, अ सुनामी इज अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स अंडर द सी। Let us begin the chapter. What is tsunami? A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea. Ye, on 26 December 2004. So, let us see as what is tsunami. It occurred on, the incident happened in 26 December 2004. A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea. On 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and parts of India such as the Andaman and Nicobar Islands and the Tamil Nadu coast. Here are some stories of courage and survival. So, tsunami kab aaya tha? 26 दिसंबर 2004, जस्ट अ डे आफ्टर क्रिसमस। लोग क्रिसमस की छुट्टियां मनाने गए थे, और ठीक उसके अगले दिन ही सुबह, एकदम सुबह सुबह आया था, जो अफेक्ट किया थाईलैंड को, और वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी के फटने के वजह से। डिड एनिमल्स सेंस दैट A tsunami was coming. We'll go ahead, आगे chapters पढ़ेंगे हम लोग, part one, we'll start part one. वो देखो picture दिखा रहे disaster का, part one पढ़ेंगे हम लोग। These stories are all from the Andaman and Nicobar archipelago. Ignatius was the manager of a cooperative society in Catchall. His wife woke him up at 6 a.m. because
she felt an earthquake. Ignatius carefully took his television set off his table and put it down on the ground so that it would not fall and break. Then the family rushed out of the house. When the tremors stopped, they saw the sea rising. In the chaos and confusion, two of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction. He never saw them again. His wife was also swept away. Only the three children who came with him were saved. Look here, before you understand, before you go ahead, archipelago, the meaning is given on the right side. It's a group of many islands and surrounding sea. Not only this, group of many islands and surrounding sea. So, बहुत सारे islands का group है और समुद्र का वहाँ. तो ये अंडमान और निकोबार यूनियन टेरिटरी उसका स्टोरीज है. क्या है? Was Ignatius? He was the manager of a cooperative society. कैचिल अभी देखे थे हम लोग मैप में. कैचिल निकोबार में है, तो वहां सोसाइटी का मैनेजर था. और इट वॉज 6 AM when his wife woke him up. The wife woke him up at 6 AM. 6 AM means 6 in the morning. Why? Because she felt an earthquake. क्या महसूस हुआ उनकी वाइफ को? Earthquake, भूकंप. Ignatius woke up, उठा और क्या किया? He took off the television set from that off the table and put it down on the ground. Television set उठाया और ground में रख दिया ताकि फूटेगा नहीं. So that it would not fall and break. और क्या किया? He rushed out of the house. अपने family के साथ तेजी से बाहर निकला. Rushed out means तेजी से बाहर निकला. When the tremors stopped, that is the earthquake stopped. क्या देखा? They saw sea rising. Okay, क्या देखा? समुद्र का पानी ऊपर उठ रहा था. In the chaos and confusion, two of his children caught hold of the hands of their mother's father, that is Nanaji, and mother's brother, that is Mama. तो chaos and confusion, जब समझ में नहीं आता है क्या हो रहा, बहुत disorder था ऐसा situation में, लोग क्या किए? अपने बच्चे, उनके बच्चे अपने नानाजी, नाना का और मामा का हाथ पकड़कर opposite direction में भागे and rushed in the opposite direction, दूसरे direction. He never saw them again. उनको फिर वे कभी दिखाई नहीं दी. His wife was also swept away. Swept away means उसमें बह गई उनकी wife भी. Only the three other children who came with him were saved. सिर्फ तीन बच्चे जो उनके साथ आए थे वो बचे. So this is what the first incident, first story tells us about Ignatius. He was sleeping. His wife woke him up at 6 AM. In a hurry, his first thing he did, he wanted to save his property, television. So from the table, he took it off from the table and put it down. Then they came out. Okay, by the time the earthquake had stopped, the tremor, that is trembling of the earth, has stopped. What is tremor? It's a side with the ahead. A slight shake. Tremor, what is it? A slight means very slow shake, earth tremors. The earth shakes during an earthquake. Okay, means there is a tremor, that is earthquake, but not so heavy one, so very light one. Halka sa jo earth ka movement tha. But there was chaos and confusion. Samajh mein nahi aa raha kya ho, disorder tha. Okay. Then two of his children, हाथ पकड़े किसका? Their father, अपने नाना जी और मामा जी. और किधर गए? Opposite direction में.
फिर उनसे मुलाकात हुई, नेवर, देखे नहीं. उनकी वाइफ, हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, वो भी बह गए उसमें. कौन बचा? द थ्री चिल्ड्रन वेयर विथ हिम, जो तीन बच्चे उनके थे वो उनके साथ बचे. हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब दूसरा स्टोरी देखेंगे. ये है संजीव का. संजीव, हुआ संजीव अ पुलिस मैन. वहां बताया थे तुम्हें कि कैच हॉल, जस्ट आई एम रीडिंग इट, पढ़ रहे हैं पहले. संजीव वॉज अ पुलिस मैन सर्विंग इन द कैच हॉल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. ही समहाउ मैनेज to save himself, his wife and his baby daughter from the waves. But then he heard cries for help from the wife of John, the guest house cook. Sanjeev jumped into the water to rescue her, but they were both swept away. ये दूसरा incident है. दूसरा incident है वहीं का. That is related to, जो संजीव से रिलेटेड है. Let me read again. It's very simple. You can follow it. Sanjeev was a policeman serving the Cat Hall Island of the Nicobar group of islands. He somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from the waves. But then he heard cries for help from the wife of John, the guest house cook. Sanjeev jumped into the water to rescue her, but they were both swept away. So this story is about Sanjeev. Sanjeev kya karta hai? Who was he? A policeman. Jab wahan tsunami aaya, wo apne wife aur bachcho ke saath, ek baby bachchi, baby thi choti si, usko बेबी डॉटर, उसको लेके बाहर आया, भागा वहां से. लेकिन उसी समय उसको कुछ सुनाई देता है. क्या? हेल्प. कोई पुकार रहा है हेल्प के लिए, कोई बुला रहा है हेल्प के लिए. कौन था वो? जॉन कुक था वहां का गेस्ट हाउस में, उसकी वाइफ. वहां से भागता नहीं है, वाइफ और अपनी डॉटर को छोड़ के फिर कूद जाता है पानी में. संजीव जंप्ड इनटू द वाटर कूदा टू रेस्क्यू, उनको फ्री करने के लिए, उनको रेस्क्यू यानी बचाने के लिए. क्या वो बचा? ना है. बोथ वे स्वेप्ट अवे, यानी द कुक्स वाइफ और संजीव दोनों उसमें चले गए. तो सी हाउ ब्रेव द संजीव वाज. देखो कितना ब्रेव था, कितना बहादुर था, अपनी जान का परवाह नहीं करके. और क्या किया वो? उन कुक की वाइफ को बचाने के लिए पानी में कूदा और बह गया. जैसे आज भी देखो, ये COVID-19 जो चल रहा है, कोरोना वायरस, इसमें जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेस हैं, अपना रिस्क, अपनी लाइफ पर रिस्क लेके लोगों को बचाने का बचा रहे हैं या बचाने की कोशिश कर रहे हैं. एनीवे, हम लोग थर्ड इंसिडेंट में चलते हैं आज का. ओके, क्या है? इट इज अबाउट मेघना. लेट अस रीड. 13-year-old मेघना was swept away along with his parents and 77 other people. She spent 2 days floating in the sea, holding on to the wooden door. 11 times she saw relief helicopters overhead, but they did not see her. She was brought to the shore by a wave and was found walking on the seashore in a daze. So see, I'll read again for you. This is about Meghna, a young girl of 13 years old. So 13 years old Meghna was swept away along with her parents and 77 other people. She spent 2 days floating in the sea, holding on to a wooden door. 11 times she saw relief helicopters overhead, but they did not see her.
She was brought to the shore by a wave and was found walking on the seashore in a daze. So this is Meghna kya karti hai? Meghna kaun thi? A 13-year-old girl. Wo apne parents ke saath aur other 77 the unke saath wahan pani mein bitai apna other spend samay bitai pani mein kaise floating tairta hua. ओके तो मेघना क्या करती है, एक डोर जो था टूटा हुआ डोर उड़ेन दरवाजा उसको पकड़ के कितने दिन फ्लोट करती रही, 2 दिन. और इस दौरान 11 times 11 बार वो देखती है रिलीफ हेलीकॉप्टर्स को, यानी ऊपर हेलीकॉप्टर्स आ रहा था जो लोगों को बचाने का कोशिश कर रहा था, बट दे डिड नॉट सी. लेकिन क्या वो देखे ना, उनकी नजर नहीं पड़ी. वो क्या हुआ, समुद्र जो है उसको अपने शोर में वेव फेंक दिया और वहीं पर वो बच गए. ओके आते